गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने टू डायमेंशनल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था और उसके एग्जांपल्स देखे थे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये वीडियो में देखेंगे कि टू डायमेंशनल कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। पहले हमने वन डायमेंशनल डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस पढ़ा, अब टू डायमेंशनल डिस्क्रीट देखा और ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है टू डायमेंशनल कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो ये वीडियो में हम इसके डेफिनेशन और एक एग्जांपल देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में उसके ज्यादा एग्जांपल्स देखेंगे। तो सबसे पहले टू डायमेंशनल कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स की डेफिनेशन देखते हैं। तो टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ इट टेक्स ऑल द वैल्यूज इन अ स्पेसिफाइड रीजन आर इन द एक्स वाई प्लेन। तो आपका कोई एक्स वाई प्लेन है, जैसे ये है एक्स वाई प्लेन, तो उसमें जो रैंडम वेरिएबल है टू डायमेंशनल है, तो ऑब्वियसली पैर में होगा ऐसे एक्स वाई पैर टाइप्स। तो इफ इट टेक्स ऑल द वैल्यूज इन ए स्पेसिफाइड रीजन आर, तो वो एक कंटिन्यूअस इंटरवल में होगा, देन इट इज सेड टू बी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल स्पेसिफाई एक ही पर्टिकुलर वैल्यू होती है और ये एक इंटरवल होता है। तो सेम हियर, यहाँ पे वहां पे क्या होता था कि वन डायमेंशनल इंटरवल होता था, यहाँ पे टू डायमेंशनल इंटरवल होगा। वन डायमेंशनल इंटरवल में जैसे वन टू थ्री ऐसा कि वन से लेकर थ्री तक जा रहे हो, और टू डायमेंशनल में ऐसे पैर आएगी कि वन वन से लेकर या माइनस वन से लेकर फोर, यहाँ पे फाइव ऐसे, मीन्स एक्स की वैल्यू वन टू फोर तक, वाई की वैल्यू वन टू फाइव तक। तो ये टू डायमेंशनल आपका रीजन होगा। अब फर्स्ट डेफिनेशन है जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, वहां पे भी था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, फिर था क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन। सेम हियर, यहाँ पे भी देखना है उसकी प्रॉपर्टी और फंक्शन दोनों। तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की डेफिनेशन देखते, इफ एक्स कॉमा वाई इज ए टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल सच दैट प्रोबेबिलिटी एक्स माइनस डी एक्स बाय टू लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एक्स लेस देन और इक्वल टू एक्स प्लस डी एक्स बाय टू एंड वाई माइनस डी वाई बाय टू लेस देन और इक्वल टू वाई लेस देन और इक्वल टू वाई प्लस डी वाई बाय टू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स डी वाई। तो अभी हमने देखा कि जो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है स्पेसिफाई रीजन, मीन्स कोई कंटिन्यूअस इंटरवल में होता है, तो यहाँ पे एक्स के लिए वो इंटरवल क्या है, x माइनस डी एक्स बाई टू से लेकर x प्लस डी एक्स बाई टू, मीन्स बहुत छोटा इंटरवल है, माइनस डी एक्स बाई टू से लेकर प्लस डी एक्स बाई टू तक का डिफरेंस है। सेम हियर y के लिए है, माइनस डी एक्स डी वाई बाई टू से प्लस वाई डी वाई बाई टू जितना डिफरेंस है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स डी वाई। तो यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है विच इज नोन एज ए जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। नाउ प्रॉपर्टी ऑफ जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, आप इसे शॉर्ट में पीडीएफ भी बोल सकते हो, राइट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स वाई। हमेशा प्रोबेबिलिटी सबकी क्या होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और हमारी कोई भी प्रोबेबिलिटी के लिए फर्स्ट कंडीशन यही होती है। जैसे स्टार्टिंग में एक वेरिएबल के लिए था वन डायमेंशन में, तो पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आता था। यहाँ पे टू वेरिएबल के लिए है तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। सेकेंड कंडीशन, सम क्या आना चाहिए, वन। अब यहाँ पे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो समेशन नहीं है, बट समेशन की जगह पे क्या है, इंटरवल है, तो इंटरवल और क्या आएगा, इंटीग्रेशन, क्योंकि आपको किसी एरिया में यहां से यहां तक जाना है तो इसका रीजन हम बाय इंटीग्रल फाइंड करते हैं। तो इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट, मीन्स पूरी रियल लाइफ, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, एक बार एक्स के लिए है दूसरी बार वाई के लिए। तो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एफ ओ एक्स कॉमा वाई डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, वन। वहां पे क्या था, समेशन ऑफ पी आई जे, मीन्स पी और पी एक्स कॉमा वाई, उसका सम क्या आता था, वन। वहां पे हमने देखा था टेबल में कि यहाँ पे लास्ट में आता था समेशन ऑफ पी एक्स इक्वल टू वन, समेशन ऑफ पी वाई इक्वल टू वन, राइट, डिस्क्रीट वाले में। तो यहाँ पे दोनों का इंटीग्रल
मीन्स डबल इंटीग्रल क्या आना चाहिए, वन. देन थर्ड कंडीशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी, सी लेस देन वाई लेस देन इक्वल टू डी. ये पर्टिकुलर इंटरवल होगा ए टू बी और सी टू डी के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो ये कंडीशन है फॉर दी प्रॉपर्टीज ऑफ जॉइंट प्रॉपर्टी डेंसिटी फंक्शन, वो है या नहीं उसके लिए. और ये प्रॉपर्टी हमें अगर कोई इंटरवल में फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी, तो उसके लिए कि वो कैसे फाइंड होगी. तो यहाँ पे जो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट है उसकी जगह पर्टिकुलर इंटरवल आ जाएगा कि एक्स की वैल्यू के लिए इंटरवल है ए टू बी और वाई की वैल्यू के लिए क्या है इंटरवल सी टू डी. एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स डी वाई. फिर डबल इंटीग्रल को आप सॉल्व कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा. तो ये थी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की प्रॉपर्टीज. अब आगे देखते हैं क्यूमुलेटिव डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन विच इज नोन एज ए सीडीएफ. तो सीडीएफ की डेफिनेशन क्या कहती है. इफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज ए टू डायमेंशनल कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, देन एफ एक्स वाई इंटू द ब्रैकेट स्मॉल एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू स्मॉल वाई माइनस इनफाइनाइट टू स्मॉल एक्स एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स डी वाई इज कॉल्ड द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और सीडीएफ ऑफ एक्स वाई. तो यहाँ पे क्या होगा कि एक्स वाई आपका टू डायमेंशनल कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, बट अगर आपको क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करना है तो आपकी लिमिट जो यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक थी, उसकी जगह अगर आपको यहाँ पे एक्स वाई दिया है तो आपकी जो लिमिट है वो चेंज हो गए माइनस इन्फिनिटी से लेकर स्मॉल एक्स माइनस इन्फिनिटी से लेकर वाई तक. मीन्स अब आपको इनफाइनाइट तक नहीं जाना है, मीन्स आपको कहां तक जाना है रैंडम वेरिएबल तक जाना है. तो क्यूमुलेटिव अगर आपको सीडीएफ फाइंड करना है तो डेफिनेशन में सिर्फ इतना चेंज आ जाएगा. ये आप ऑर्डर आगे पीछे कर सकते हो, मीन्स ये जो यहाँ पे मैंने पहले वाई बार लिखा था और एक्स अंदर, तो जो अंदर या बाहर आपको जिस हिसाब से इंटीग्रेशन लोगे उस हिसाब से चेंज हो जाएगा. बट अगर यहाँ पे पहले वाई लिखा है तो यहाँ पे डी वाई आएगा, बाहर एक्स है तो यहाँ पे डी एक्स आएगा वैसे. तो अगर आपको सीडीएफ फाइंड करना है तो आपको ये वाली फॉर्मूला यूज करनी है. नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन एमपीएफ. तो लेट एक्स वाई बी टू डायमेंशनल कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विच एज्यूम्स ऑल द वैल्यूज इन अ स्पेसिफाइड रीजन आर इन द एक्स वाई प्लेन. सब में से दिया ही होगा कि स्पेसिफाइड लेवल में वो आर रीजन में एक्स वाई प्लेन में वैल्यू एज्यूम करेगा. देन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स इज गिवन बाय. अब आपको मार्जिनल प्रोबेबिलिटी कल हमने देखी थी 4x एंड 4y मैंने टेबल में आपको बताया था और अलग से भी फाइंड करके दिखाया. तो अगर x के लिए फाइंड करनी है तो ये इंटरवल सिर्फ x के लिए डिफाइन होगा. एफ एक्स एट स्मॉल एक्स इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू एट इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डी वाई एंड इज कॉल्ड द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ x. अब आप सोचोगे कि यहाँ पे x है तो यहाँ पे डी एक्स आना चाहिए, बट कल हमने टेबल में देखा था जैसे यहाँ पे एक्स वाई आ रहा था तो यहाँ पे x की वैल्यू थी 0, 1, 2, बट हमने यहाँ पे क्या लिखा था पी वाई, क्योंकि यहाँ पे रो वाइज वैल्यू किसकी जा रही है y और हम वैल्यू फाइंड करते थे यहाँ पे पी एक्स. तो जहां पे y है वहां पे आता था x की प्रोबेबिलिटी और जहां पे x है वहां पे आती थी y की प्रोबेबिलिटी, रो वाइज और कोलम वाइज जाते थे. तो सेम हियर वहां पे जैसे याद रखा था यहाँ पे भी एफ एक्स एट स्मॉल एक्स माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डी वाई एंड इज कॉल्ड दी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स. सिमिलरली एफ वाई ऑफ वाई मीन्स अब एफ एक्स की जगह पे आपको वाई के लिए फाइंड करनी है तो इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स इज कॉल्ड दी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ वाई. तो वहां पे x के लिए हो तो पीछे dy आएगा, y के लिए है तो यहाँ पे dx आएगा, बाकी सब कुछ दोनों में सेम है, लिमिट भी सेम है. अब आगे की डेफिनेशन देखते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन. तो कल हमने सेम डेफिनेशन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए
तो उसमें भी ऐसा ही था, आपको वहां पे जो दिया था उसी हिसाब से यहाँ पे भी करना है, बट अब वेरिएबल आपका चेंज हो गया है, डिस्क्रीट की जगह कौन सा आ गया है कंटिन्यूस। तो यहाँ पे क्या है देखते, द कंडीशनल कंटिन्यूस डेंसिटी फंक्शन और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दोनों सेम ही है। अगर आपको कंडीशनल कंटिन्यूस डेंसिटी फंक्शन लिखा हो या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लिखा हो, दोनों में एक ही डेफिनेशन आएगी। गिवन दैट कैपिटल वाई इक्वल टू स्मॉल वाई, यहाँ पे दोनों सेम है, डिनोटेड बाय एफ ऑफ एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स बाय वाई, कॉमा नहीं सॉरी, तो एफ ऑफ एक्स बाय वाई, वहां पे हम इसको ऐसे भी डिनोट करते थे पी ऑफ एक्स बाय वाई डिस्क्रीट के लिए, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स बाय वाई। तो वहां पे अगर आपको ऐसे दिया है तो हम लोग ऐसे करते थे कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, यहाँ पे वाई इक्वल टू वाई, और नीचे जो है वो डिवाइड करते थे। तो सेम यहाँ पे भी वैसे ही करना है, एफ ऑफ एक्स बाय वाई पूरा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई ऊपर, और जो डिनोमेटर में है वो नीचे लिखना है। तो ये क्या है मार्जिनल फंक्शन फॉर वन, तो एफ वाई एट स्मॉल वन। द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ वाई गिवन कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स डिनोटेड बाय एफ ऑफ वाई बाय एक्स, वहां पे फोर एक्स के लिए था एफ ऑफ एक्स बाय वाई, वाई के लिए है एफ ऑफ वाई बाय, जिसके लिए है वो न्यूमरेटर में आएगा। इस डिफाइन एज एफ ओ फाइव बाय एक्स इक्वल टू, न्यूमरेटर दोनों में सेम रहेगा, वहां पे डिस्क्रीट में भी ऐसा ही था, न्यूमरेटर सेम था, जो डिनोमेटर में है उसका मार्जिनल फंक्शन आएगा, तो एफ एक्स एट स्मॉल एक्स। इसकी डेफिनेशन पता है अभी हमने देखा, अगर यहाँ पे एक्स है तो इंटीगल माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट एफ ओ एक्स कॉमा वाई डी वाई आएगा, और यहाँ पे डी एक्स आएगा, राइट। अ नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर दी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई टू बी इंडिपेंडेंट इज, अब आपको कुछ एग्जाम्पल में से दिया होगा कि चेक वेदर एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट और नॉट, तो आपके रैंडम वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट मीन्स एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं या नहीं, तो उसके लिए आपको चेक करना है, तो आपको क्या फाइंड करना है मार्जिनल फंक्शन फॉर एक्स एंड वाई। अगर ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपको जो एग्जाम में दिया है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई उसके इक्वल आ जाए देन इट इज ए इंडिपेंडेंट, राइट। तो ये आपको याद रखनी है, मैंने इसीलिए इसको बॉक्स में लिखा कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ अगर आ जाए तो आपकी कंडीशन नेसेसरी एंड सफिशियंट टू बी एक्स एंड वाई टू बी इंडिपेंडेंट, राइट। अब यहाँ पे डेफिनेशन कंप्लीट होती है, हम इसके बेसिस पे एग्जाम्पल देखते। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है दी जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ ए टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल इज एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू वन बाय टू एक्स ई रेस टू माइनस वाई जीरो लेस देन एक्स लेस देन टू वाई ग्रेटर देन जीरो इक्वल टू जीरो अदरवाइज। फाइंड द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, क्या फाइंड करना है सीडीएफ। अब यहाँ पे सब में ध्यान रखना क्या क्या फाइंड करना है, आपको एमपीएफ दिया है मार्जिनल दिया है तो अलग अलग डिफरेंट आएगा एफ एक्स एफ पर, चेक करना है तो ये चेक करना होगा कि वो इंडिपेंडेंट है या नहीं, कंडीशनल फाइंड करना है तो एफ ओ एक्स बाई वाई वाला आएगा क्योंकि वहां पे क्या था डिस्क्रीट में टेबल कॉमन आता था फिर आगे हमें चेक करना होता था, इसमें टेबल की जरूरत नहीं है तो हम क्या करेंगे जो दिया है उसी को फाइंड करें, राइट। तो यहाँ पे क्या फाइंड करना है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाई थी, तो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू एक्स प्लस माइनस इनफाइनाइट टू वाई एफ ओ एक्स कॉमा वाई डीएक्स डीवाई। अब यहां पे एक्स की लिमिट है वो कहां से स्टार्ट हो रही है जीरो से, y की लिमिट भी कहां से स्टार्ट हो रही है जीरो से, मीन्स दोनों की वैल्यू ये जीरो से लेकर टू तक है और ये जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक है, तो यहाँ पे दोनों जगह पे आप वेरिएबल कर दोगे जीरो टू x एंड जीरो टू y। अब f ऑफ x कॉमा y आपको दिया है वन बाय टू एक्स ई रेस टू माइनस वाई डी एक्स डी वाई, राइट। अब आपने फर्स्ट सेम में ये पढ़ा होगा डबल इंटीग्रेशन, मल्टीपल इंटीग्रेशन में डबल इंटीग्रल भी आता था और ट्रिपल इंटीग्रेशन,
ट्रिपल में यहाँ पे dx dy d से डर कर, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि एक वेरिएबल वाले आपको एक साथ कर लेने हैं और फिर उसका इंटीग्रेशन लेना है। तो यहाँ पे हम x की लिमिट और x के वेरिएबल को साथ में ले लेंगे, फिर y की लिमिट और y के वेरिएबल को साथ में ले लेंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रल 0 to x, इंटीग्रल 0 to y, 1/2 x dx और e-y dy, इसको ऐसे रखते हैं, राइट। तो आगे इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to x, 0 to y, अब 1/2 x dx उसका इंटीग्रेशन लेंगे, तो 1/2 x dx का होगा x2/2। अब ये है x की लिमिट, तो पहले ये रिमूव हो जाएगी, यहाँ पे आएगा 0 to x, बाकी बचा e-y dy, जिसका इंटीग्रेशन होगा उसकी लिमिट भी उसके साथ आ जाएगी। अब लिमिट रखते हैं, तो x इक्वल टू x ही है तो x2/4 हो जाएगा, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, e-y dy। अब ये पूरा इंटीग्रेशन किसका है, y का, तो उस टाइम पे x क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि ये डबल वेरिएबल है, तो उसमें जब एक इंटीग्रेशन एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो तो उस टाइम पे दूसरा आपका वेरिएबल एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना, जैसे आप पार्शियल में डिफ्रेंसिएशन लेते थे वैसे ही। तो यहाँ पे x2/4 कांस्टेंट है, 0 to x, e-y dy, अब ये 0 to y, x2/4, e-y का इंटीग्रेशन क्या होता है, e-y, बट माइनस वाई का किसमें आएगा, डिनोमेटर में डिफरेंसेस, तो वो क्या होगा, -y, 0 to y, dy निकल जाएगा क्योंकि हमने इंटीग्रेशन ले लिया x2/4, अब ये माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, e-y, तो ऐसे किसी रहेगा, y की जगह पे y आएगा, 0 रखोगे तो -e-0, तो वो हो जाएगा 1, तो -x2/4 e-y -1, अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा 1 e-y। ये है CDF, या उसे आप नाम भी ले सकते हो f(x,y) फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 x 2 y 0 एंड इज इक्वल टू 0 अदरवाइज, राइट। तो ये आपका आंसर है, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल हो गया, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के बेस पे बाकी के 2 एग्जांपल देखेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।